जय माँ काली। गुप्त नवरात्र में माता रानी के तृतीय स्वरूप माता राजराजेश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाता है। तो माता रानी को राजराजेश्वरी, ललिता, बाला त्रिपुर सुंदरी, शताक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। माता रानी का ये स्वरूप अत्यंत सुंदर है। कहीं कहीं माता रानी को बताया जाता है कि माता यौवन स्वरूपा हैं, बहुत सुंदरी हैं, महा बहुत सुंदर स्वरूप हैं और 16 वर्ष की हैं माता रानी। माता रानी के भक्त, माता रानी के साधक जो हैं ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, सौंदर्य प्राप्ति के लिए माता रानी का विधि विधान से पूजन करते हैं। माता रानी का जो स्वरूप है वो सूर्य के समान तेज है उनका, और आत्मिक बल की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए माता त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार माता रानी का स्वरूप कैसा है, तो माता रानी शांत मुद्रा में लेटे हुए शिव जी महाराज के नाभि से कमल निकला है और उस नाभि कमल से नाभि कमल के ऊपर माता रानी विराजमान है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता रानी को अपने मस्तक पर, माता रानी के आसन को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वयं यमराज भी माता रानी के आसन को अपने मस्तक पर धारण किए हैं। माता रानी की चार भुजाएं हैं और माँ की चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष, बाण और कमल धारण किए हैं माँ। और माँ की उत्पत्ति के बारे में जो कथा आती है वो यह है कि सती के वियोग के बाद में भगवान शिव जी समाधिस्थ हो गए थे, समाधि धारण कर ली थी भगवान भोलेनाथ ने। तो भगवान के समाधि धारण करने के बाद में जो सृष्टि के संचालन का कार्य है उसमें बाधा आने लगी, तो समस्त देवताओं ने, उसी समय ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसका वध भगवान शिव जी के पुत्र के द्वारा होगा। तो भगवान शिव जी के ध्यान साधना को भंग करने के लिए जो देवता हैं उन्होंने कामदेव और रति का आह्वान किया। कामदेव और रति ने भगवान शिव जी की साधना को तोड़ने के लिए कुसुम सर नामक बाण चलाया, जिससे भगवान की साधना जैसे ही टूटी उनके त्रिनेत्र से एक अग्नि उत्पन्न हुई और उस त्रिनेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। जब कामदेव भस्म हुए तो रति विलाप करने लगी, रोने लगी। तब भगवान शिव जी ने रति को ये आशीर्वाद दिए कि कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वापर युग में जन्म लेंगे। उसके बाद में जब रति के जाने के बाद, सभी देवताओं के जाने के बाद, जो भगवान श्री गणेश जी हैं उन्होंने कामदेव की राख से, कामदेव की भस्म से एक पुतले का निर्माण किया। उस पुतले का निर्माण करने के बाद में उस पुतले में जान आ गई और वो पुतला बिल्कुल एक पुरुष के रूप में, एक अत्यंत सुंदर पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। और उस पुरुष की जो आकृति थी, उस पुरुष का जो सौंदर्य था, वो बिल्कुल कामदेव जैसे वो दिखाई देते थे। उसके बाद में उस पुरुष ने भगवान शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव जी ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिए और उसको एक बहुत बड़ा इंद्रपुरी के समान एक लोक भगवान ने प्रदान किए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इस पुरुष का नाम भांड रखा। भांड यानी नाटक करने वाला। आगे जाकर ये पुरुष, क्योंकि भगवान शिव जी के वरदान के द्वारा, शिव जी के आशीर्वाद के द्वारा अत्यंत शक्तिशाली था, शिव जी का अनन्य भक्त था, और शिव जी इसके जो जितने भी गण थे, भंडासुर, इसका नाम भंडासुर रखा आगे जाके, तो जो भंडासुर का के जो भक्त थे और भंडासुर के जो गण थे उसके साथ में, वो सभी शिव जी महाराज की पूजा किया करते थे, शिव जी महाराज की स्तुति किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे उन्होंने आकर भंडासुर को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद में, क्योंकि भंडासुर का जो अवतार हुआ था, भंडासुर ने जो जन्म लिया था वो भगवान शिव जी के क्रोध के द्वारा उसका जन्म हुआ था, तो भंडासुर के अंदर तमोगुण था, तो ये तमोगुण धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही तमोगुण उस पर हावी होने लगा, तमोगुण धीरे धीरे भंडासुर के अंदर ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो उसने चारों लोकों को घेर लिया। जब भंडासुर ने चारों लोकों को घेर लिया तो जो इंद्र आदि देवता हैं वो परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि भंडासुर ने चारों लोकों को घेर लिया है। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं को कहा, उन्होंने इंद्र को ये बोले कि आप साधना कीजिए भगवती की और अपने शरीर के मांस के द्वारा और रक्त के द्वारा आप देवी की साधना करें। तो भगवान इंद्र ने, देवराज इंद्र ने
अपने शरीर के मांस के द्वारा और रक्त के द्वारा देवी की साधना की। देवी त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिए देवताओं को। उसके बाद में जब देवताओं ने माता त्रिपुर सुंदरी को भंडासुर के बारे में, उसके आतंक के बारे में बताया, तो माँ ने, माँ त्रिपुर सुंदरी अत्यंत सुंदरी थी, बहुत सुंदर माँ का स्वरूप था, श्रृंगार की हुए माँ आई थी, तो देवताओं ने ललिता नाम से माँ को पुकारा। ललिता यानी बहुत सुंदर, ललित अवस्था में, तो ललिता नाम से माँ को पुकारा। और देवताओं के आग्रह करने पर माता रानी ने भंडासुर के साथ में युद्ध किया। सबसे पहले भंडासुर ने पाषंड शक्ति का प्रयोग किया, तो माँ ने गायत्री शक्ति द्वारा उसके इस शस्त्र को निस्तेज कर दिया। फिर भंडासुर ने स्मृति नाश नामक अस्त्र का प्रयोग किया, तो माँ ने भारण प्रयोग के द्वारा उसके इस अस्त्र को भी नाश कर दिया। फिर भंडासुर ने यक्षमा रोग नामक शक्ति का प्रयोग किया, तो माँ ने अच्युत अनंत गोविंद नाम रूपी शस्त्रों से उसके इस शस्त्र का भी अंत कर दिया। और फिर अंत में माँ ने कामेश्वरा अस्त्र का प्रयोग किया और भंडासुर का संहार किया। इस तरह माता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का संहार किया। एक प्रसंग और आता है माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में कि माँ ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया था। सप्तशती के अनुसार जब हिमालय पर बैठी हुई माँ अंबिका को, जो अत्यंत सुंदरी थी, जब शुंभ निशुंभ के गणों ने देखा, तो उन्होंने माता रानी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन शुंभ निशुंभ से किया। शुंभ निशुंभ ने बाद में माता रानी से अपने गणों को भेजकर ये संदेश भेजा कि वो माँ से विवाह करना चाहते हैं। तो माता त्रिपुर सुंदरी ने, माँ ललिता ने उनके सामने एक शर्त रखी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसका वरण कर लूँगी। तो इसी तरह से शुंभ निशुंभ का माँ ने वध की थी, ये सप्तशती के अनुसार आता है। तो सप्तशती में भी माता त्रिपुर सुंदरी, माता राजराजेश्वरी ने शुंभ निशुंभ का वध की है। माता का स्वरूप अत्यंत सुंदर है और माँ का ओम रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरी नमः, ओम रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरी नमः माँ का मंत्र है, जिसके द्वारा माँ की साधना और पूजा की जा सकती है। माँ का स्वरूप, माँ के स्वरूप की जहाँ पूजा तांत्रिक रूप में, तंत्र साधना के रूप में भी की जाती है, और अनुपम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए भी सात्विक रूप से भी माँ की पूजा की जाती है, माँ की साधना की जाती है। जय माँ काली।